एक शेर अर्ज किया है, मुलायला फरमाइए। प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है, जो रखा है फ्रिज में रखा है। मैं फ्रिज के अंदर से वीडियो बना रही थी। आदाब, डोंट गेट आइडियाज। ओह माय गॉड, तुम लोग इतने नॉटी हो गए ना, मेरा मन करता है कभी वीडियो ही ना बनाओ। पेव योरसेल्फ। ओके, आज मैं बनाना सिखाऊंगी बनाना फिरंडाई की चटनी। हम इसको हट जोड़ भी कहते हैं। ये मैंने घर पे लगाया हुआ है, मेरे घर में बहुत फल फूल रहा है। तो ये मेरी विंडो में भी लगा हुआ है, देखो कैसे फैल रहा है ना। छोटा सा लगाया था, पर इसको ऑन रियली फार। तो ये इसके मैंने आगे से तीन तीन उखाड़ लिए, आई मीन काट लिए। से यहाँ पे भी बहुत सारा फैल गया, तो मैं इसमें से काटूंगी। 1, 2 and 3 इसको काट लें। सी इसमें तो फ्लावर्स फ्लोर्स आ रहे हैं, तो इस वाले को मैं नहीं काटूंगी। फिर मैंने इसकी रेसिपीज देखी ऑनलाइन, मुझे एक तमिल रेसिपी मिली है। तमिल में इसको बुलाते हैं पिरंडाई। तो गूगल पे मैंने देखा है इसके बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स। सो आई कांट रिमेम्बर ऑल ऑफ देम, बट मुझे पता है ये हड्डी जोड़ने के काम आता है। आयुर्वेदा में से इसका ऑयल बनता है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर बोन हेल्थ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, पढ़ के सुनाती हूँ। सो इसको सिसस क्वांट्राकोपस, आई डोंट नो, गूगल पे देख लेना। इट्स अ प्लांट दैट हैज बीन, मतलब बहुत फायदे हैं। जॉइंट पेन वगैरह में काम आता है, बोन हेल्थ में काम आता है, अगेंस्ट क्रॉनिक कंडीशंस लाइक हार्ट डिजीज़, डायबिटीज एंड स्ट्रोक वगैरह में काम, मतलब इट्स गुड फॉर ऑल दैट। इसका पेस्ट बना के फ्रिज में रखना है और 1/4 चम्मच 10 दिन तक यू कैन हैव। ओके, इट रिलीव्स यू फ्रॉम पाइल्स, दैट इज इफ यू हैव, आई डोंट हैव। एंड ऑल्सो डीवर्मिंग में काम आता है, एंड ऑल्सो इट रिलीव्स यू फ्रॉम एनल इचिंग। तुम्हें तो जरूर बनाना चाहिए। ओके, मेरे को हमेशा लगता था ये कैक्टस फैमिली का है, बट इट्स नॉट, इट्स फ्रॉम ग्रेप फैमिली। इसके आगे वो भी निकल रहा है ना, कैसे छल्ले डाल डाल के ऊपर चढ़ती होगी ये। ओह गॉड, तुम लोग क्या कुछ भी सोचते हो, आई मीन लाइक अ बेल बाबा, ग्रेप्स की तरह चढ़ती होगी ये। चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए पिरंडा, यानी कि हट जोड़, एंड देन यू नीड मस्टर्ड सीड्स, उड़द दाल, 5-6 अखा लाल मिर्च, अनियंस। एक्चुअली मैं बहुत ब्यूटीफुल प्याज काटती हूँ, बट अभी चटनी बनी है ना, सो आई डिडंट बॉदर। ये कड़ी पत्ता मैंने घर पे उगाया है, एंड इमली आंवला के साइज की, जस्ट दिस मच। यूट्यूब पे मैं जिस लेडी की रेसिपी देख रही थी, वो कह रही थी कि इसको काटने में हाथों में इचिंग हो सकती है। सो वियर्ड ना, काटो तो हाथों में इचिंग, पका के लगाओ तो, मतलब खाओ तो एनल इचिंग ठीक हो जाती है। तो एक्चुअली इसको वैसे छीलना जैसे हम बीन्स को छीलते हैं ना, ऐसे साइड से। वेट, आई विल शो इट यू। तो ये हम हाथों पे तेल लगा रहे हैं, पत्ते हमको नहीं चाहिए। ओके, साइड से ऐसे छील के साफ करना है। सी अब ये साफ हो चुका है और इसमें बहुत सारा कचरा निकला है, दिस मच। सो जब इस लेडी की रेसिपी देख रही थी यूट्यूब पे, शी सेड हाथों में इचिंग हो सकती तेल लगा लेने, तो मैं सोच रही थी यार राइट आई बड़ी, बट शी वॉज राइट, क्योंकि मेरे हाथों में तेल लगाने के बावजूद बहुत खुजली हो रही है। ओ गॉड, कैसी छोटी छोटी सुइयां चुभ रही हैं हाथों में, क्या क्या करना पड़ता है तुम्हारे लिए। सो माई एडवाइस रहने दो, हम कौन से मरे जा रहे हैं इसकी चटनी खाने के लिए। बट एनीवे, अगर आपको पुनपंगा लेने का शौक है जैसे मैंने लिया है, then let's continue, बीच में थोड़ी छोड़ेंगे। अब एक कढ़ाई लें, तेल डालें इसमें, ये इची बीच को इसमें डाल दें। अब इसको हिलाएं, इसको, और इसको तब तक कुक करें जब तक कलर चेंज हो जाए। क्यों, मैं यही सोची जा रही हूँ मैं ये क्यों बना रही हूँ, क्या जरूरत थी, एवं ही ज़्यादा हीरोइन बनती हूँ मैं कभी कभी। अब इसने कलर चेंज कर लिया, अब इसको आप निकाल लें। अब इसी कढ़ाई में तेल और लें, तेल गर्म हो गया, अब इसमें डालें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, लेट इट डू पुट, पुट उड़द की दाल, लेट इट ऑल्सो, मतलब व्हाटएवर। अब इसमें डालें थोड़ा सा हींग, हाँ मैंने पहले बताना भूल गई थी, तो क्या जान लोगे, एंड देन ऑल्सो पुट लाल मिर्ची। अब इसमें डालें आनियंस, एड करी पत्ता, और इसमें डाल दें इमली। यू नो हम लोग ऐसे नहीं डालते इमली, हम हमेशा पेस्ट बना के डालते हैं, पर इस लेडी की रेसिपी है तो अब मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकती ना। इसमें डाल दें नमक, हाँ मैं पहले बताना भूल गई थी, जान लोगी क्या, मैंने बोला जान लोगी क्या, मैंने वो नहीं बोला जो तुम सोच रहे हो। ओह गॉड, यू गाइस आर सच डर्टी माइंड्स। यू नो उस लेडी ने कुछ तो बताया होगा इसको कब तक कुक करें, पर वो तमिल में था तो मेरे को समझ नहीं आया। तो आई विल कुक इट जब तक मुझे सही लगता है, ओके, तब तक हिलाते रहें इसको। अब ये सबको एक साथ मिस्की में डालने, तो यू ऐड दिस ऑल्सो, ये सारा हमने इसमें ऐड कर दिया, आप मिस्की में पीस दें। इसको आप कांच के बोल में निकाल लें ताकि आप अमीर लगें, और ऊपर से आप डाल दें मस्टर्ड सीड्स एंड कड़ी पत्ता का तड़का। सो दिस पिरंडा की चटनी इज रेडी।
आप इसको खा सकते हैं डोसा के साथ और कर्ड राइस के साथ और इडली के साथ, मेरे पास वो नहीं है तो मैं इसको खाऊंगी रोहित जी के साथ। नॉट बैड, मुझे लगता है मैं सबको बताऊंगी किस चीज़ की चटनी है तो कोई नहीं खाएगा। आई विल ओनली हैव टू फिनिश इट। नाइस, जी करता है बनाने वाले की हाथ चूम जाऊं। आई ऑन ओके, डोंट गेट टू एक्साइटेड। सो अगर आपको तमिल आती है तो जाके वो यूट्यूब पे वीडियो देखो एंड लेट मी नो कि अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दिया है। बट आई लाइक माई चटनी एज इट इज, डू ट्राई टू मेक इट एंड दैट्स इट। किलिचमी।